देखिए गाइस, जो रास्ता बंद था और स्नोफॉल होती हुई ग्लेशियर वाला यही रास्ता है। नाक में हो गई है स्नोफॉल स्टार्ट, आप देख सकते हैं क्या स्नोफॉल होने लगी है। कैप्चर हो नहीं रहा होगा, पता नहीं हो रहा कि नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद पहाड़ी ब्लॉग। सो आज हम रामबाड़ा से निकल चुके हैं केदारनाथ की तरफ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये रिवर आ रही है पूरी केदारनाथ की तरफ से आ रही है। तो देख सकते हैं ये रिवर पूरा ऊपर स्नो पड़ी हुई, और हमें जाना वहीं है। और अभी हम निकल चुके हैं केदारनाथ के ट्रैक के लिए, और अभी यहाँ पर से बसता है 8-9 किलोमीटर और ट्रैक करना है हमें, जब तब जाके हम पहुँचते हैं केदारनाथ टेम्पल में। और अपने साथ भी साथी लोग भी आ चुके हैं पीछे से, और देखिए सब लोग व्लॉग करते हुए आते हैं। और अभी हम ये रामबाड़ा वाले पुल में जो नए बने हैं, और काफ़ी चेंजेस आ गए हैं आपदा के बाद, आप देख सकते हैं कितना। ये देखिए अपने और अपने साथ वाले तो आगे चले गए, और आप देख सकते हैं ये पानी। और जब अभी रात को तो हमने वहीं स्टे टेंट लगा दिया था। सो हर्षित भाई अपने ये आते हुए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बम 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 बम। चलो गाइस, अभी हम निकलते हैं आगे को ट्रैक करते हैं, फिर आपको दिखाते जाएंगे पूरी। और ये ऐसी दुकानें लगी है, बम बम बोले। सो यहाँ ऐसी दुकान लगी हैं, देखिए देख सकते हैं आप। और ये डंडा लेके चल रहे हैं, पता नहीं किस लिए, ऊपर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर शॉप दिख जाएंगे अगर आपको, और अगर आप लोग टेंट ला रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं, पर उसका टेंट लगाने का भी चार्जेस लगते हैं यहाँ। तो अपने साथ टेंट ला रहे हो तो टेंट लेके आ सकते हैं, और अपने थोड़े से बहुत पैसे बचा सकते हो। तो ये देखिए खच्चर भी शुरू हो चुके हैं अब। देखिए जो सामान जाते हैं ऊपर कुछ इस तरह से जाते हैं घोड़ों में, क्योंकि दिक्कत कोई और ट्रांसपोर्ट का जरिया तो है नहीं, तो ऐसे लाद के ले जाते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत महंगाई है, तो उनके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये महंगाई इसलिए है क्योंकि ऐसे ले जाना पड़ता है यहाँ सामान। सो गाइस, अभी ट्रैक चढ़ने में है, और ये व्यवस्था है यहाँ पर से 7-8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है बाबा, है ना, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर बम बम बोले बाबा। ये बेंबली से 2.5 किलोमीटर आ गए। हाँ, अब आगे वही 7.5 किलोमीटर है, बने 8 किलोमीटर हमें सर। 8.5 किलोमीटर केदारनाथ जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 8.5 किलोमीटर केदारनाथ बेस कैंप है 6.5। बड़ी लिचौली, छोटी लिचौली, और खच्चर वाले भी आने वाले हैं। खच्चर वालों को ज़्यादा भीड़ होती है, पैदल चलने वालों की कम होती है। पैदल वालों की बहुत कम है, बहुत ही कम। और जितने खच्चर वाले जाते हैं बहुत तो गिरते हैं। हाँ, वो अभी रामबाड़ा में एक गिरा है। अच्छा, अभी फिलहाल में गिरा? अभी 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 अभी। हाँ, अच्छा, चलते समय ऊपर जा रहा था। इसमें तो बहुत रिस्क नहीं है? बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा पैदल यात्रा है? पैदल यात्रा सबसे बढ़िया, तो मानते कहाँ हैं वो, तो घोड़ा रास्ते पहले घोड़ा दो जी बाबा। तो अपना आपको अपना अपने को बाबा मिले थे। हाँ, आदमी का पैर सरक जाता है जी जी, पर है भी तो ऐसी ट्रैक भी तो ऐसी है ये। हाँ जी, हाँ जी। सो चलते हैं आगे को, और बच गया अच्छा बच गया होगा। सो चलते हैं आगे को। सो देखिए भैया जी बजा रहे हैं संघ यहाँ पर अपने, और व्यू देखिए आप कितना मस्त व्यू हो रखा है। और नीचे हम छोड़ के आ गए हैं। हर हर महादेव बोले बोले, महादेव महादेव जय बोले की, हर हर महादेव।
सो गाइस जब आप केदारनाथ को ट्रैक करेंगे तो बीच बीच में आपको ऐसे कैंप मिल जाएंगे, टेंट मिल जाएंगे। देखिए डीकैथलॉन वाले तो ये लगे हुए और ये बड़े कैंप हैं। तो जैसे कि आप थोड़ा दिन में ट्रैक करेंगे तो आपको ट्रैक करते हुए नाइट तो ही जाएगी। अगर आप रुकना चाहते हो तो इन टेंटों में रुक सकते हो। और इनके अलग अलग प्राइजेस भी हैं। तो ये देखिए कितने सारे कैंप और टेंट लगे हुए हैं, तो ये आपको हर जगह पे दिख जाएंगे नीचे, तो देख सकते हैं। और मौसम आज भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप आ चुकी है, पहाड़ों की टॉप में बर्फ़बारी हो रही है। और अभी आपको दिखाऊंगा ग्लेशियर जहाँ पर टूटा हुआ था, अब तो उन्होंने सही रास्ता बना दिया उसे, तो आपको वहीं पर लेके चलता हूँ अभी। सो गाइस केदारनाथ से पहले 5-6 किलोमीटर पहले आपको ये देखिए टेंट दिख जाएंगे ऐसे लगे हुए, और सारे केचवे डीकैथलॉन की हैं और काफ़ी मात्रा में टेंट लगे हुए यहाँ पर। ये जो खाना जैसी बनी हुई है, ये देखिए बाबा जी जा रहे हैं, ये देखिए काफ़ी मात्रा में टेंट है इधर, और अपनी मंजिल है उधर बाबा केदारनाथ। और टेंट ही टेंट देखेंगे आपको, ये सब टेंट है। और ये देखिए हेलीकॉप्टर आता हुआ, ये देखिए इतना शानदार व्यू आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ट्रैक करते हैं 6 किलोमीटर और केदारनाथ का। सो गाइस हमने ले लिया है शॉर्टकट रास्ता, और बहुत ही ख़तरनाक शॉर्टकट रास्ता लिया है केदारनाथ के लिए। तो मेन रास्ता तो ये ऊपर से जा रहा है, और ये देखिए ये रास्ता जा रहा है ख़तरनाक ऊपर। आप हिल देख रहे होंगे ना, ये zigzag करके वो सीधा वहीं मिलेगा, और ख़तरनाक रास्ता है बहुत। भैया कैसा रास्ता है ये? थोड़ी चढ़ाई होगी वहाँ पर है, चलो कोई नहीं, तो यहाँ से चलते हैं केदारनाथ की तरफ। वो देख सकते हैं पूरे नदी के बगल से जा रहा है ये नदी, ये ग्लेशियर वाला ही पानी होगा ऊपर पहाड़ों का, ये आ रहा है और उसके बगल से पूरा रास्ता जा रहा है ये। अभी उसी रास्ते से हम जाएंगे जो मेरे उंगली के सीधे से दिख रहा होगा आपको, और वो सामने है जो ग्लेशियर आया था जिसके कारण रास्ता बंद हो गया था एक दो दिन के लिए। तो मेरी उंगली के सामने देख सकते हैं आप पूरा ग्लेशियर, यही वो रास्ता है। सो चलते हैं आगे की तरफ को, और आपको भी कराएंगे हम घर बैठे बैठे केदारनाथ जी के दर्शन। जय कदरी, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। सो गाइस ट्रैक करके काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, शॉर्टकट ट्रैक भी हमें लॉन्ग कट पड़ गया है, और ये सामने से हम आ रहे थे, और काफ़ी लंबा ट्रैक तो नहीं बोलूँगा पर अपील बहुत ज़्यादा है इसमें, एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग भी आ रहे हैं इसी रास्ते। और जो सामने आप देख रहे होंगे जहाँ से खच्चर जा रहे हैं वो है मेन रास्ता, और बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ दिखने लग गई है, और अपने हरियाणवी भाई भी मिल गए। राम राम जी, राम राम, राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, चलिए हम भी चलते हैं, अपने साथ ही लोग ऊपर है, बस पहुँच ही गए मेन रास्ते पे। रास्ता देख सकते हैं आप कैसा है, पत्थरीला भरा, और इसी में ये खच्चर ला रहे हैं तो थोड़ा ख़राब भी हो चुका है। तो अगर आप लोग इस रास्ते से आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से आइएगा, और बाकी का व्यू तो बहुत बढ़िया आ रहा है। ये देखिए ये वाला ग्लेशियर भी कैसे रास्ते में आ गया था, आप सामने देख सकते हैं दो जगह से ग्लेशियर आ रहा था जिसको हटा दिए गए, और काफ़ी भयंकर ग्लेशियर आया था पिघल के। तो ये देख सकते हैं अच्छा मौसम हो रहा है, बस थोड़ा दूर और मंजिल बाबा के द्वार। सो गाइस ये देखिए पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी के द्वार में, यहाँ से मंदिर बसता है 1 किलोमीटर, और बस पहुँच ही गए हेलीपैड में, तो पहुँच गए उसके बाद सीधे केदारनाथ टेम्पल। तो
सामने देख सकते हैं, ये सामने है हेलीपैड का नज़ारा कुछ ऐसा। एक हेलीकॉप्टर तो वहाँ पर खड़ा है शायद, वो अभी चालू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अभी हेलीपैड ये रहा, और अभी हेलीकॉप्टर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी लैंडिंग कितनी ख़तरनाक है। और हवा बहुत ही ख़तरनाक आ रही है जब वो लैंडिंग कर रहा है तब, और ऊपर आगे जाके थोड़ा सा मंदिर बचा है। तो चलिए चलते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं तो तब आपको दिखाते हैं। लो लो चालू, गाइस आप ये देख सकते हैं हेलीपैड सेवा। अभी जो आए हुए दर्शन के लिए वो उतरेंगे, और जिसने दर्शन कर लिया वो चले जाएंगे। और ये देख सकते हैं सो गाइस अभी लाइन में लगे हैं बाबा के दर्शन के लिए, और जस्ट थोड़ा सा ही बचा हुआ यहाँ से अभी, तो अभी दर्शन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी तो उस टाइम रिकॉर्ड किया नहीं, और काफ़ी मार्केट लगी हुई है प्रसाद की, और सामने एक रेस्टोरेंट है, और व्यू कुछ इस तरह है। सामने देख सकते हैं आप सफ़ेद पहाड़ हो चुके हैं, और मौसम भी हल्का हल्का ख़राब हो रहा है, स्नोफॉल भी हो सकती है। और ये और सामने आपको ये देखिए, ये सामने आपको दिख सकता है केदारनाथ मंदिर। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये है केदारनाथ टेंपल, और दर्शन हो चुके हैं अंदर बाबा जी के। काफ़ी मात्रा में भीड़ है, और ये देखें अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इस वजह से वो शूट नहीं कर पाए, पर ये देखें साइड से केदारनाथ व्यू, और सामने आप देख सकते हैं ये भीमसाली पत्थर जिसने पूरे इस मंदिर को पछताया था। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर जी, हमारे केदार बाबा, हर हर महादेव। सो ये देख सकते हैं आप व्यू केदारनाथ का। अब मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, बारिश आने का हो गया है, और सामने देख सकते हो भैरव बाबा का मंदिर है, हर हर महादेव। जल्दी फिर से बुलाना भोले बाबा। सो गाइस दर्शन तो हो गए हैं मंदिर के अच्छे से, और काफ़ी अंदर तक गए थे जहाँ तक वो मतलब मूर्ति है, तो वहीं तक पूरा अंदर मंदिर तक गए। और काफ़ी महंगाई है यहाँ, मतलब खाने पीने के लिए तो बहुत महंगा है। अगर हो सके तो आप अपना छोटा मोटा कुछ खाने के लिए ला सकते हो, स्नैक्स, ताकि यहाँ आपको ज़्यादा अमाउंट ना चुकानी पड़े। और वैसे महंगा इसलिए भी है क्योंकि बहुत हाइट में मंदिर है, और जो सामान लेके ऊपर आना पड़ता है तो वो खच्चरों के द्वारा लेके आना पड़ता है, तो उसका भी किराया ये लोग उसी में से निकालते हैं। तो आप अपना बंदोबस्त कर लेना जब भी आप यहाँ केदार बाबा आए। और स्नोफॉल भी होने लग गई है, तो देख सकते हैं हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, इतना दिख नहीं रहा है। और ये देखिए इसी के लिए हम आए थे केदार बाबा के दर्शन करने के लिए महाराज। और ये भीमसाली पत्थर, और ये भी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस मंदिर का, और जो ऊपर से आया था पानी आया था जो ऊपर से, देखिए ऊपर की उस तरफ से आया था, तो उसने पूरा ख़त्म कर दिया था। अब तो पूरी बाउंड्री वॉल बना रहे हैं ये लोग, तो अभी इसका भी काम चल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं, और ये देख सकते हैं प्रसाद केदार जी पूजा का सामग्री। तो प्रसाद वसाद चढ़ा दिया है, और मौसम भी ख़राब हो गया है अब केदारनाथ का, तो देखते हैं क्या है। वैसे तो हमें नीचे उतरना है क्योंकि हर हाल में अब हमको वापसी करनी है। और ये देखिए कल रात बहुत ठंडा हो गया था,
और काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं। अपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है भाई लोग है कहाँ से वैसे भाई मैं तो लखनऊ से अच्छा योगी जी के भक्त हैं वे तो धन्यवाद धन्यवाद सबको भाई लोगों को धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और चलिए चलते हैं अब और ये मंदिर दिखाता हूँ। सो गाइस केदारनाथ में हो गई है स्नोफॉल स्टार्ट आप देख सकते हैं क्या स्नोफॉल होने लगी है। कैप्चर हो नहीं रहा होगा पता नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा पर बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल है अभी तो। और स्नोफॉल देखिए कितनी तेज़ हो रही है पर हल्की हल्की हो रही है पर इस कैमरे में दिख नहीं रही होगी आपको हल्की स्नोफॉल हो रही है अब बड़ी तेज़ ऊपर का मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। सो गाइस केदारनाथ से वापसी जाते हुए अपनी गौरीकुंड की तरफ बीच में हमने अपना सामान भी रखा हुआ उसे भी उठाएंगे फिर चलेंगे गौरीकुंड की तरफ। और वेदर तो देख ही सकते कितना खतरनाक हो चुका है स्नोफॉल होने लग गई है बहुत अच्छी वाली ये देख भाई जी फिर मिल गए हो गए दर्शन और मौसम तो खतरनाक हो गया स्नोफॉल लगता है अब कुछ दोबारा ग्लेशियर का कुछ खतरा हो सकता है अब ये देखिए आप बर्फबारी हो गई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो बहुत ज़्यादा बर्फबारी बहुत ज़्यादा हमारे दर्शन सही टाइम पर देखिए वहाँ ग्लेशियर पिघल गया था तीन जगह पे ग्लेशियर गिरा हुआ हमारे दर्शन सही टाइम में हुए नहीं हुए बहुत अच्छे टाइम में हो गए भाई साहब है ना एक नंबर भैया एक नंबर मज़ा आ गया और काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है देख सकते हैं आप छतों में भी देख सकते हैं केदारनाथ का नज़ारा आप तो चलिए चलते हैं गाइस नीचे की तरफ अभी और स्नोफॉल भी खतरनाक हो रही है और स्लिपरी रास्ता भी है ये देखिए गाइस छतों के ऊपर और हेलीकॉप्टर अभी भी उड़ान भर रहे हैं ये देखिए बहुत हैवी स्नोफॉल आ रही है। चलिए आपसे मिलते हैं नीचे जहाँ पर हमने सामान रखा है ये देखते हैं गौरीकुंड का नीचे तो स्नोफॉल हो ही होगी। तो गाइस सुबह हमने ब्लॉग यहीं से शुरू किया था और बढ़िया से केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करके दोबारा वही पुल में आ चल गए हैं ये देख सकते हैं वही वाला पुल है तो काफ़ी अच्छा दर्शन हुए काफ़ी थोड़ा मतलब हम रुके भी वहाँ पर क्योंकि जो पंडित थे उन्होंने रुकने दिया वहाँ पर और अच्छे से हाथ जोड़े माथा टेका बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत ही मात्रा में ऊपर श्रद्धालु हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से स्नोफॉल हो रही है बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है कहते हैं अगर आप लोग बहुत दूर से आ रहे हो अगर तो बढ़िया मौसम हो रहा है पर जब तक ये मेरा ब्लॉग आएगा तब तक का मौसम तो पता नहीं कैसा होगा पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और काफ़ी श्रद्धालु वापसी हो रहे हैं और काफ़ी लोग ऊपर को दोबारा जा रहे हैं और ऊपर मैं एक बात मेन बात बता देता हूँ जो ऊपर तीन मेन ग्लेशियर थे जो सबसे खतरनाक ग्लेशियर ने जिसे रोड ब्लॉक करी थी वो अभी भी थोड़ा है और उसमें अभी भी फिसलन भरी है तो वहाँ पर पुलिस वाले लगे हुए हैं पूरे सेफ्टी के साथ एक एक करके आराम से भेज रहे हैं SDRF है पूरा सपोर्ट है उत्तराखंड पुलिस का उत्तराखंड जितनी भी हुआ है तो आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया सी लोकेशन में आ गए हैं और ये नदी अब सब श्रद्धालु वापसी जाते हुए अपने गौरीकुंड की तरफ को और देखिए ये नदी और यही है तबाही वाला सीन गाइस बहुत तबाही हुई थी जिसमें तो चलते हैं ऊपर की तरफ को अभी। सो गाइस जहाँ से हमने केदारनाथ का ट्रैक शुरू किया था
तो वहीं पर हम ये एंड कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ से हम जा रहे हैं सोन प्रयाग। बैग वैग सब ले लिया क्योंकि हमने बैग रखा था भाई पे रेंट में। और ये देखिए मंदिर जो आपको दिखाया था, बहुत ही अच्छा मंदिर, गौरी माई का मंदिर है। सो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सोन प्रयाग के लिए, टैक्सी में निकलेंगे और फिर वहाँ जाके आज हम वहीं रहने वाले हैं और वहीं अभी डिनर करेंगे। फिर कल सुबह निकलेंगे अपने घर के लिए, अपने हल्द्वा निकले। सो ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव, जय बद्री, जय विशाल, जय केदारनाथ ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो बाय गाइस।